नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव को अगर कोई हल्के मिले तो उसे जल्द ही इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका ये सोचना उल्टा उसी पर भारी पड़ गया है। अक्सर ऐसा उनकी राजनीति में देखा गया है। एक बार फिर मंत्री गोपाल भार्गव के स्मार्ट सिटियों को लेकर दिए गए बयान ने प्रदेश भर की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। नतीजा ये है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लेने सागर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैं नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। कोई ने कह दिया स्मार्ट सिटी, ये सिटी, वो सिटी। अब स्मार्ट सिटियों का हाल क्या है मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं मंत्री पद पर हूँ। इस कारण से पैसा तो बहुत है, उपयोग क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव के स्मार्ट सिटियों को लेकर दिए गए बयान ने पूरी सियासत में हलचल मचा दी है। जहां प्रशासन पहले ही हरकत में आ गया था, वहीं बयान की तीव्रता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ मंत्रालय में बैठक ली और स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर नाराज नजर आए। इसके बाद उन्होंने सीधे सागर आकर स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा करने का निर्णय लिया। अब 10 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह सागर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लंबे वक्त से ठंडी पड़ी प्रदेश की राजनीति भी इस मुद्दे पर गर्मा गई है। कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने मंत्री गोपाल भार्गव को इस बयान के लिए धन्यवाद दिया है और कहा है, देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार के विरुद्ध आवाज उठाती आई है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इस साहस के लिए गोपाल भार्गव जी को कि उन्होंने भी स्मार्ट सिटी और तरीके से फैले भ्रष्टाचार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इसको लेकर मैं अपने गृह जिले के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने मंत्री परिषद के साथी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को के ऊपर उंगली उठाई है, उसकी वह निष्पक्ष जाँच कराएं, जिससे दूध का दूध पानी पानी हो सके। दरअसल 4 दिसंबर को मंत्री गोपाल भार्गव ने रैली में खुले मंच से स्मार्ट सिटी के कार्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था, उनकी इच्छा थी कि बोलते ऐसा विकास हो। मैं नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। कोई ने कह दिया स्मार्ट सिटी, ये सिटी, वो सिटी। अब स्मार्ट सिटियों का हाल क्या है मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं मंत्री पद पर हूँ। इस कारण से पैसा तो बहुत है, उपयोग क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 10 दिसंबर को सागर में दौरा प्रस्तावित है, जिनमें वो स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही पीटीसी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सागर टीवी न्यूज के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट।